सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के सिपत चौक के पास स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर होली के दिन एक नाबालिग शराब के नशे में चढ़ गया और पहले खुद सिगरेट पिया, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के मुंह में सिगरेट को लगा दिया। युवक का नाम राघव बताया जा रहा है, जो नशे की हालत में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। आज से ठीक 2 दिन पहले अर्थात 8 मार्च जो कि होली का दिन था, जिसमें कि पूर्ण रूप से की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा बनाया जाता है, परंतु इस सुरक्षा के रहने के बावजूद 8 मार्च को सरकंडा थाना सिपत चौक में, जो कि हमारे देश के आज़ादी के असली हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा बनी हुई है, उस प्रतिमा पर सीढ़ी से चढ़कर उनके प्रतिमा पर उनके मुंह में जो सिगरेट लगाकर जघन्य कृत्य किया गया है, वह अति निंदनीय है। उस घटना की कड़ी शब्दों में पहले निंदा व्यक्त करता हूं, तथा इसमें जो कि नाबालिग बताया जा रहा है उस व्यक्ति के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई मांग करते साथ, जिसके द्वारा यह वीडियो बनाया गया है और वीडियो को वायरल किया गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तथा साथ ही उस समय मौके स्थल पर जो ड्यूटी में पुलिस प्रशासन के पुलिसकर्मी रहे होंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा इसके खिलाफ में कल छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के द्वारा प्रदेश व्यापी जन आंदोलन किया जाएगा।